इस विशाल दरवाजे से कभी हाथी हौद के साथ प्रवेश करते थे। इस विशाल दरवाजे को आप देख लीजिए, जिसकी भव्यता आप देख रहे हैं। लोहे की कील लगी हुई है, कोई शत्रु प्रवेश न कर सके, और भी इसके जो कारण होंगे। यह है शनिवार वाड़ा। इस भवन की भव्यता को दिखाने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ शनिवार वाड़ा किस लिए प्रसिद्ध है और यहाँ क्यों आते हैं लोग, कहाँ है। दोस्तों, हम हैं पुणे में, महाराष्ट्र का प्रमुख शहर है पुणे, जहाँ शनिवार वाड़ा का यह भव्य गेट है। इस प्रकार के 5 गेट है। बताते चलें, यहाँ नारायण राव का भूत घूमता रहता है, रात को चिल्लाता है, काका बचाओ काका बचाओ, ऐसे करता रहता है, और इसकी आवाज़ सुनी जाती है। यह अतृप्त आत्मा, यह प्रेत आत्मा, 18 वर्ष का वह जवान जिसकी हत्या कर दी गई, उसके बारे में मैं आपसे बताऊंगा। उसके पहले इस दरवाजे को आप देख लीजिए, यह लोहे का दरवाज़ा, पता नहीं कितने कुंटल का होगा, मैं नहीं कह सकता। और यह इसकी दीवारें आप देख रहे हैं, यह नुकीली कील लगी हुई है। चलिए, मैं इसमें अब प्रवेश कर रहा हूँ। प्रवेश करने से पहले यहाँ आपको दिखा दें, मशीनें लगी हुई हैं और टोकन, यहाँ टोकन जारी होता है। टोकन हम डालेंगे, यह देखिए यहाँ सुरक्षाकर्मी हैं, और टोकन हमने ले रखा है, 25 रुपये का टोकन है। जब भी आप यहाँ आएंगे, 25 रुपये का टोकन, और यह हमें दे दिया गया। और देखिए, अब हम निकल गए, अब भीतर आ गए हैं। यहाँ तोपें रखी हुई हैं, इसे भी आप देख रहे हैं, और मैं अब किले के भीतर प्रवेश कर गया। यहाँ तमाम दर्शक आते रहते हैं, इस किले की भव्यता को देखते हैं। इसे भी आप देख रहे हैं, यह तोप को, और इधर लिखा गया है, उसकी कथा लिखी गई है, जब नारायण राव की हत्या की गई। दोस्तों, आपसे हम बताते चलें, नारायण राव 18 साल की उम्र में ही नाना साहब पेशवा के अंतिम पुत्र थे नारायण राव, जिन्हें शासक बनाया गया। अब किले के बाहर मैं आ गया हूँ, इसे आप देख रहे हैं। किले के अंदर तीस अगस्त 1773 की वह काली रात, जब सुमेर ने नारायण राव की हत्या कर दिया। तलवार लेकर के सुमेर आता है, सुमेर को बुलाया जाता है, काका, नारायण राव के काका को दी गई थी जिम्मेदारी, नाना साहब ने जिम्मेदारी दिया था कि जब तक हमारा पुत्र सूझबूझ वाला नहीं हो जाता है, तब तक आप इसे इसकी देखरेख करते रहेंगे। चलिए, इस किले की भव्यता, इस महल की सुरम्यता को आप देख रहे हैं। तो काका को जिम्मेदारी दी गई थी कि काका इसे देखरेख, काका की देखरेख में अच्छा शासक बन जाएगा, लेकिन काका को लोभ हो गया राजघराने का, और काका ने सुमेर को बुला करके हत्या करा दिया। नारायण राव चिल्लाता रहा, पूरे महल में दौड़ता रहा, और तलवार उसका पीछा करती रही। बोटी बोटी काट करके सुमेर ने नारायण राव को यहाँ की अस्थानी नदी में फेंक दिया। नदी का नाम, राजेश जी, नदी क्या है इधर, क्या किस नदी को क्या बोलते हैं? मूला मुठा नदी। यहाँ दो नदियाँ हैं, इंद्रायणी और मूला मुठा। मूला मुठा में फेंक दिया गया। यही वह भवन है। बताते चलें कि इस भवन का निर्माण 1730 10 जनवरी 1730 में शुरू हुआ था, और जनवरी 1732 में ही इसका उद्घाटन कर दिया गया। लगभग 97-98 साल बाद इस भवन में भीषण आग लगी थी। आग लगने का परिणाम यह हुआ कि इसके 3 महल, जो भीतर के 3 महल थे, जल करके खाक हो गए। ये वही एरिया, और एक जो जला हुआ एरिया है, उसे ही हम दिखा रहे हैं, आप इसे देख रहे हैं। तो लगभग 97-98 साल बाद यह आग लगी थी। आग में 3 महल जल करके नष्ट हो गए थे। बताते हैं कि लगभग 1 सप्ताह लगा था आग बुझाने में। इसकी भव्यता, और राजस्थान के कारीगर आए थे, वहीं के पत्थर आए थे,
और विशेष हुनर और दक्षता कला का प्रदर्शन करते हुए इसका निर्माण कराया गया था। आप देख रहे हैं उधर चेयर लगी हुई है, कितनी पुरानी कुर्सियां हैं। मैं यहीं से उसको दिखा देता हूं। यहां अब हम छाये में आ गए हैं, उसके पहले इसकी चार दीवारी को आप देख सकते हैं। 30 अगस्त 1773 का वह दिन, वह काली रात, वह मनहूस रात, उस जवान ने जवानी की दहलीज पर अभी नारायण राव पहुंच रहा था। नाना साहब पेशवा का अंतिम पुत्र था, छोटा पुत्र था, दौड़ता रहा, घिघियाता रहा, चिल्लाता रहा, काका मावा बचाओ, काका मावा बचाओ। लेकिन काका तो स्वयं मरवाना चाहता था, तो काका क्यों बचाएगा। तलवार, खून की प्यासी तलवार घूमती रही और वह किशोर से जवानी की दहलीज पर कदम रखते हुए काट काट कर, बोटी बोटी करके हत्या कर दी गई। और हत्या करने के बाद मूला मूठा नदी में उसे फेंक दिया गया। बाजीराव मस्तानी, यह पेशवा बाजीराव प्रथम ने इसका निर्माण कराया था। जैसा कि मैंने बताया, 1730 से लेकर 1732 तक इसका इस भव्य महल का निर्माण हुआ। और बाजीराव मस्तानी, यहाँ 5 गेट हैं इसके, एक गेट से बाजीराव मस्तानी अकेले प्रवेश करती थी घोड़े से। यहाँ एक तालाब भी है जिस तालाब में बाजीराव मस्तानी नहाने जाती थी। बाजीराव मस्तानी की फिल्म को आप सभी ने देखा है, यद्यपि कुछ शूटिंग यहाँ पर हुई है और शेष शूटिंग आमेर किला राजस्थान में हुई। आमेर किला राजस्थान का एक भव्य महल है, मान सिंह ने इसे बनवाया था। उस किले का भी मैंने वीडियो डाला है अपने चैनल पर, तो अधिकांश शूटिंग वहाँ हुई, कुछ यहाँ का भी दिया गया था। बाजीराव मस्तानी यहाँ से प्रवेश करती थी, काफ़ी सुंदर और देखने में आकर्षक व्यक्तित्व था। तो कई दरवाजे हैं, एक दरवाजे को उधर आप देख रहे हैं और एक दरवाज़ा उस तरफ है। कुल मिलाकर के 5 अभेद्य दरवाजे थे यहाँ। भीतर चल करके एक दरवाजे को मैंने दिखाया था, वहाँ देखिए एक उधर दरवाज़ा है जिसको हमारा कैमरा दिखाने का प्रयास कर रहा है, एक दरवाज़ा उस तरफ है। चलिए मैं थोड़ा सा और भी दिखा देता हूँ आगे बढ़ करके, यद्यपि निकलना है हमें, हमारी ट्रेन भी है, जल्दी जल्दी वहीं से दिखा। देखिए दोस्तों, यह बड़ा संकट है यदि आप सीधे सीधे दिखा रहे हैं, कुछ पढ़ने का आपको अवसर न हो। एक बार बना करके विजुअल लेकर के, जैसे हम विजुअल दिखा दें और कहीं ऑफिस में बैठ करके लिखा हुआ हो उसे पढ़ दें, तो पढ़ने में तो बड़ा आनंद आएगा, बगैर किसी त्रुटि के, विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी प्रॉब्लम, आप धड़ल्ले से फ्लुएंटली उसे धारा प्रवाह बोल सकते हैं और दिखा सकते हैं। लेकिन ऐसे में तो संकट होता है ना, कि सन याद करना, उसके लिए तैयारी करना, तैयारी का मौका मिलता नहीं है। तो चलिए मैं इधर से होते हुए निकल रहा हूँ। इधर आप देख रहे हैं एक दरवाजे को और हमने दिखाया। देखिए, यह 1730 से 1732, 1730 जनवरी में ही इसकी शुरुआत की गई थी। और यह नारायण गेट है, देखिए लिखा भी गया है नारायण गेट, यानी उस नारायण को यहीं से मार करके और इसी रास्ते ले जाया गया था मूला मूठा नदी में। नारायण दरवाज़ा देखिए लिखा हुआ है, मैं थोड़ा सा और चढ़ते हुए नज़दीक से आपको दिखाना चाहूँगा। इधर भी हमने दिखा दिया और उधर देखिए, ये है नारायण, नारायण दरवाज़ा, इसी दरवाजे से नारायण को ले जाया गया था। और सुबेर ने काट काट करके, बोटी बोटी करके नारायण की हत्या कर दिया था। नारायण की का वह भूत इस भूतही हवेली में आज भी चिल्लाता रहता है और कहता है, काका मावा बचाओ, काका मावा बचाओ। मराठी भाषा है, काका हमें बचाओ, काका हमें बचाओ। लेकिन जहाँ बेदर्द हाकिम है वहाँ फरियाद क्या करना, जब काका ही हत्या की साजिश रख रहा है। नाविक जो नाव डुबोए उसे कौन बचाए। दोस्तों,
हमारा पुणे का अंतिम दिन है, मैं बहुत घूम नहीं पाया और नहीं दिखा पाया, लेकिन आज मैंने पुनः प्रयास किया है इसे दिखाने का। इस भव्य हवेली जो वर्तमान में भूतही हवेली के नाम से जानी जाती है, जहाँ नारायण राव का भूत आज भी घूमता रहता है, चिल्लाता है काका मावा बचावा, काका मावा बचाओ। तो हमने दिखाया और आज हम पुणे से प्रस्थान कर रहे हैं। यहाँ इसकी भव्यता सुरम्यता और पुराने पत्थर, राजस्थान के पत्थर और कई साल मेहनत करके इस महल का निर्माण कराया गया था, जो महल आज पूर्णतया खंडहर में तब्दील है। और बेचारा नाना राव का, नाना साहब राव का अंतिम पुत्र नारायण राव, जिसकी अतृप्त आत्मा इस हवेली में भूत के रूप में घूमती रहती है और आज भी चिल्लाती है, बचाओ बचाओ कहती रहती है। जहाँ तक हमारे देश में राजाओं का इतिहास रहा है, शासकों का इतिहास रहा है, तो बहुत हत्याएं हुई हैं। हत्याओं का अंतहीन सिलसिला बताता है कि किस प्रकार शासन सत्ता के लिए लोभी लोग। मैं समय थोड़ा दौड़ते हुए चल रहा हूँ, क्योंकि ट्रेन हमारी है, जल्दी निकलना भी है। तो आप सभी को अच्छा लगा होगा दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, आशा करता हूँ आप उसे सब्सक्राइब, लाइक तथा शेयर करते हुए हमारा मनोबल बढ़ाएंगे। और यह हमारा बढ़ा हुआ उत्साह देश विदेश में, देखिए ऐसे ऐसे चढ़ना उतरना है, तो दौड़ते हुए मैं सीढ़ियों से उतर रहा हूँ। फिर मैं और अधिक न घूम करके इस रास्ते से ही निकल जा रहा हूँ। आप सभी को अच्छा लगा होगा। पंकज आज 9 तारीख है, 10 है, आज हम हैं 10 अप्रैल, 9 है 10 को मैं मुंबई संभवतः रहूँगा। तो चलिए अब हम फिर से बाहर निकल रहे हैं। चलिए भाई प्लीज साइड, सर हो गया, देखिए चलते हैं। ये भी दिखा दिया, इसमें डाल दूँ, ऊपर डालो, ऊपर इसमें, चलिए आपको टोकन डाल दूँ सर, टोकन है आपने, टोकन मेरा, देखिए अब टोकन की वजह से मैं फंस गया लग रहा है। चलिए भाई टोकन निकाल लिया है, देखिए टोकन है, इसको निकाल लिया, कहाँ डालना है, ये मैंने डाला और यहाँ से फिर निकल लिया। अच्छा सिस्टम बना है पूरा। इस गेट को जहाँ से हाथी प्रवेश करते थे उसे दिखाते हुए और मैं बाहर निकल रहा हूँ। जो आपने रास्ता रोक रखा है क्या? चलिए दोस्तों उसी गेट पर आकर के, शनिवार वाड़ा जहाँ लिखा हुआ है उसी गेट पर आकर के मैं इस वीडियो का अंत करता हूँ। और सभी देश विदेश से जुड़े हुए सम्मानित साथियों को ब्रजभूषण दुबे का सादर नमस्कार, धन्यवाद।